एक बहुत समय पहले की बात है, एक दिन अचानक से जाने कहां से एक आवारा बिल्ली आकर वह लोगों के घरों में उनका कुछ न कुछ नुकसान करती। कभी किसी का दूध गिर देती तो किसी का दही। इसी वजह से सभी लोग उस बिल्ली से परेशान थे। एक दिन की बात है, वो आवारा बिल्ली सरला के घर में घुस जाती है और उसका सारा दूध गिराकर पीने लगती है। तभी सरला को जोर से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। ये गिरने की आवाज कैसी, जैसे किसी ने कुछ गिरा दिया हो। तो सरला दौड़कर रसोई में जाती है तो बिल्ली को दूध पीते हुए देखकर चौंक जाती है। सत्यानाश हो बिल्ली का, सारा की सारा दूध गिरा दिया और अब मुझे फिर से सारी रसोई साफ करनी पड़ेगी और फिर ऊपर से दूध का खर्चा और उबलना भी पड़ेगा। सरला फिर से बाजार से दूध खरीद कर लाती है और दोबारा उबालती है। उस दिन सरला का सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम होती है तो सरला रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर उसे ढककर रख देती है और कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी एक दड़ाम की आवाज आती है। अब क्या हो गया, किसने क्या गिरा दिया। सरला जल्दी से रसोई में जाकर देखती है तो उसका सारा खाना नीचे गिरा पड़ा हुआ है और बिल्ली उसे चाट चाट कर खा रही है। जैसे ही बिल्ली सरला को देखती है तो वह बिल्ली मियाँ मियाँ करती हुई रसोई से भाग जाती है। और फिर से बिल्ली को दूध गिराते हुए देखकर सरला को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, इस बिल्ली ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है। मेरा सारा खाना गिराकर खराब कर दिया। नाश हो इस बिल्ली का, जब देखो ये बिल्ली कुछ ना कुछ नुकसान कर चली जाती है। अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा और ऊपर से रसोई को भी दोबारा साफ करना पड़ेगा। इसी तरह वो आवारा बिल्ली हर रोज सरला का कुछ ना कुछ नुकसान करके चली जाती है। कभी वह दही गिरा देती है तो कभी दूध, और ना तो खाना ही खराब कर देती है। सरला खाने पीने का सामान कभी भी छुपाकर रख लेती, फिर भी वो आवारा बिल्ली कैसे भी करके उस सामान तक पहुंचकर उसे या तो छटकर जाती या खराब ही कर देती। और सरला बेचारी उस बिल्ली का कुछ नहीं कर पाती है। एक दिन की बात है, सरला के बेटे का जन्मदिन था तो सरला रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। सरला ने बहुत ही स्वादिष्ट बादाम वाली खीर और बिरयानी भी बना रही थी और साथ में उसे डर भी सता रहा था और सोचने लगती है, कहीं बिल्ली आकर मेरी बिरयानी और खीर ना खा जाए। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे एक ऊंची जगह पर रख देती हूँ जिससे बिल्ली खीर बिरयानी तक पहुँच ही ना पाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। सरला बिल्ली के डर से खीर और बिरयानी के बर्तन को अलमारी के ऊपर एक जगह रख देती है जिससे बिल्ली उस तक ना पहुँच पाए। फिर वह घर के और बाकी के कामों में लग जाती है और तभी उसे फिर से दुराम से बर्तन की गिरने की आवाज आती है। तो सरला दौड़कर रसोई में जाती है और बिल्ली को खीर बिरयानी गिराकर खाता हुआ देखती है तो वह आग बबला हो जाती है। इस बिल्ली ने तो मेरे नाक में दम कर दिया, मुझे जल्दी ही इस बिल्ली का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उस दिन से सरला उस बिल्ली को भगाने की हर मुमकिन कोशिश करती पर हर बार बिल्ली सरला को चकमा देकर उसका कुछ ना कुछ नुकसान किए बगैर नहीं मानती है। उस दिन के बाद से सरला उस आवारा बिल्ली को भगाने की ठान लेती है। कुछ भी हो जाए,
मैं इस आवारी बिल्ली को घर में घुसने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। सरला बिल्ली को मारने के लिए दरवाजे के पीछे एक बड़ा डंडा रख लेती है और साथ ही उसके खाने के लिए नीचे दूध, दही और भी सामान रखकर उसका हर घड़ी निगरानी करने लगती है। शाम का समय था, तभी बिल्ली मौका देकर सरला की रसोई में घुस जाती है और दूध पीने लगती है। तभी एक जोर की बर्तन की आवाज होती। लगता है बिल्ली आ गई। आज चाहो जो हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सरला दरवाजे से डंडा लेकर आती है और जोर से जैसे ही बिल्ली को मारती है तो बिल्ली तो भाग जाती है और फिर सरला फिसल कर गिर जाती है। हाय रे, मेरी कमर। अरे कोई है, मर गई रे। अरे कोई तो मुझे उठाओ। सरला बिल्ली को मारने के चक्कर में बुरी तरह गिर जाती है और उसे बहुत चोट आती है। उस दिन से सरला बिल्ली को भगाना छोड़कर खुद ही अपने खाने पीने के सामान अच्छे से रखवाली करने लगती है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लोमड़ पर पड़ती है। शेर भागता हुआ उस लोमड़ के पास जाता है और बोलता है, काफी समय से भूखा था, अब कोई शिकार हाथ लगा है, अब मैं इस लोमड़ी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लोमड़ बहुत डर जाता है और शेर से बोलता है कि, अरे शेर भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे शेर भाई, मैं तो कुछ कई दिनों से भूखा हूँ और खाना ना मिलने की वजह से मेरी हालत भी बहुत खराब है, और वैसे भी मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। आपको तो किसी मोटे ताजे जानवर को शिकार करना चाहिए। मैं सब समझता हूँ, तू अपनी जान बचाने के लिए ऐसे बोल रहे हो ना? तुझे क्या मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊंगा? अरे नहीं नहीं शेर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि जंगल के दूसरी तरफ में एक मोटा हाथी घूम रहा है, क्यों ना उसे ही शिकार बनाया जाए। उसे मारकर आपका और मेरा, हम दोनों का ही पेट भर जाएगा। ऐसा बोलकर लोमड़ शेर को अपने साथ ले चलता है और दूर खड़े हुए हाथी को दिखाता है। अरे वाह हाथी, मगर हाथी का शिकार करना आसान नहीं है। और तुझे क्या लगता है मैं अकेले उस हाथी को पकड़ पाऊंगा? अरे उसका शरीर तो देख, कितना भारी है। अरे सरकार, मेरे छोटे से दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं उस हाथी के पास जाऊं और उसे अपनी मीठी मीठी बातों से फंसाकर आपके पास ले आऊं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जाओ जल्दी जाकर उस हाथी को किसी भी तरह से अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास ले आओ। फिर लोमड़ शेर की बात मानकर उस हाथी के पास जाता है और हाथी से बोलता है कि, अरे हाथी भाई, हाथी भाई, आप इतने दोपहर में कहाँ घूम रहे हो और क्या बात है, आप काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हो। अरे क्या बताऊं लोमड़ भाई, सुबह से खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, पर कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। खाने की तलाश करते करते सुबह से दोपहर हो गई, पर खाने को कुछ भी हाथ नहीं लगा, बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो हाथी भाई, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अरे आप परेशान क्यों होते हो?
मैं हूँ ना, मैं अभी आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक बढ़िया सा जगह ले चलता हूँ। इस जंगल में और बढ़िया सी जगह? हाँ हाथी भाई, इस जंगल के दूसरे ओर बहुत सारे केले के पेड़ हैं। मैं जानता हूँ कि आपको केले कितने ज्यादा पसंद है। चलो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, फिर आप पेट भरकर केले खा सकते हो। क्या सच में इस जंगल में केले के पेड़ हैं? अरे फिर तो लोमट भाई, मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। हाथी लोमट की बातों में आ जाता है और लोमट के साथ चल पड़ता है। लोमट चालाकी से हाथी को शेर के पास ले जाता है और शेर हाथी को देखते ही उस पर हमला कर देता है। अरे मर गया रे, मर गया, ये तो एक शेर है, अरे भागो रे भागो। हाथी जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो शेर उस पर चपट मार देता है और उसे मार डालता है। फिर शेर हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह लोमेट, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। आज तो बहुत दिनों के बाद मैं मजे से पेट भर खाना खाऊंगा। इस मूर्ख हाथी को इतना भी नहीं पता चला कि तुम उसे अपनी बातों में से फंसा रहे हो। लोमड़ हंसते हुए बोलता है कि हाँ सरकार, आज तो मजा ही आ गया। आपके साथ साथ मुझे भी पेट भर भोजन खाने को मिल गया। फिर शेर और लोमड़ मिलकर मजे से मरे हुए हाथी को खाते हैं।